गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। ट्रेन में मिले लाखों के कैश और ज्वेलरी, नहीं डगमगा पाया ईमान और आरपीएफ ऑफिसर ने किया वापस। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला है हमारे सामने पुलिस वालों को लेके है, ज्यादातर लोगों के माइंड में पुलिस वालों की एक छवि जो है वो नेगेटिव कहलाती है, पर कभी कभार कुछ ऐसे ईमानदार पुलिस वाले सामने निकल के आते हैं, उभर के आते हैं, जो कि लोगों के चेहरे पे खुशी लेके आ जाते हैं। इसी दौरान ही आज हमारे सामने आरपीएफ ऑफिसर का ये मामला आ रहा है जो कि रामपुर से आ रहा है। बताया जा रहा है कि वहां पर एक आरपीएफ ऑफिसर को 6 लाख रुपए नकदी बैग के अंदर और 1 लाख रुपए के गहने और साथ में एक महिला के कपड़े मिले, जिसके बारे में जानने के बाद उस ऑफिसर ने उस महिला के पास वो बैग पहुंचाया, जो कि काफी ज्यादा कमाल का हुआ। और इस दौरान ही उस महिला ने उस आरपीएफ ऑफिसर का धन्यवाद भी बोला और उस दौरान ही अपनी स्टोरी भी बताई। उन्होंने ये चीज बताया कि मेरे देवर जो हैं, वो एक्चुअली मैं दूसरे कोच में बैठे थे और मैं दूसरी कोच में बैठी थी, और इस दौरान ही जब वो मुझे यहाँ पर मिलने के लिए आए, तब इसी बीच में जो है मेरे देवर जो है वो नीचे गिर गए, और मैं जब उनको पकड़ने के लिए गई, तब उस दौरान उनको उठाने के लिए गई, तब उस दौरान ही वहां पर ट्रेन निकल पड़ी, जिसके दौरान मेरा बैग जो है उस ट्रेन में रह गया। ये सब चीजें होने के बाद उस महिला ने ही रामपुर जो कि पुलिस है, जो कि रेलवे पुलिस स्टेशन है, वहां पर कॉल करके अपने बैग के बारे में सूचना दी, जिसके कारण आरपीएफ ऑफिसर जो है वो एक्चुअली में वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये बैग जो है वो जब्त कर लिया। और महिला को फोन करके भी ये भी बात बताई कि उनका जो बैग है वो सुरक्षित है और उसके अंदर जो गहने और कैश जो है वो भी सुरक्षित है, जिसके कारण महिला काफी ज्यादा खुश हुई और महिला जो है वो रामपुर फिर आई और अपना बैग जो है उसने लिया। तो आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी काफी ज्यादा अपडेटेड और मजेदार लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।